वचन सत्य वचन अमर वचन जीवित वचन दिव्य वचन सत्य वचन अमर वचन जीवित वचन साईं बाबा बनी बाबा बगड़ जनिर 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 सा दिव्य वचन सत्य वचन अमर वचन जीवित वचन दिव्य वचन दिव्य वचन हालेलुया जय यीशु जय यीशु हे प्रभु यीशु हे प्रभु यीशु मेरे प्रभु हे मेरे प्रभु हे मेरे उद्धार करता हे मेरे उद्धार करता हे महान परमेश्वर हे महान परमेश्वर इस पूरे पंडाल को हम तुझे सौंपते हैं हालेलुया 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 बैठ जाएंगे अपना हाथ उठाकर प्रभु से कहिए प्रभु हम दोनों को आशीर्वाद दे हमें तो अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर नम्रता दीनता में तेरी वाणी सुनाने की कृपा मुझे और फादर कृपाल को दे हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है तेरा नाम पवित्र माना जाए तेरा राज्य आवे तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही पृथ्वी पर भी पूरी हो हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा आमीन। मुझे पता नहीं था मैं अभी भी कंफ्यूज था कहां से शुरू करूं और अभी प्रेरणा मिल गई जब हे हमारे पिता प्रार्थना शुरू किए तो बहुत अच्छा वहीं से शुरू करेंगे। प्रभु यीशु ने सिखाया इस प्रार्थना को हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है तेरा नाम पवित्र माना जाए तेरा राज्य आवे तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही पृथ्वी पर भी पूरी हो हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा आमीन 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 हालेलुया 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 हालेलुया। जब इस प्रार्थना को हम बोलते हैं क्या आभास होता है इस प्रार्थना को जब हम बोलते हैं हम आभास करते हैं कि जिस परमेश्वर को जिस पिता को हम संबोधित करते हैं वो पिता जिंदा है। किसको संबोधित किया जा सकता है जो जिंदा है जो जिंदा है किसको संबोधित किया जा सकता है जो जिंदा है सुनता है जो जिंदा है वो सुनता है किसको संबोधित किया जा सकता है जो देखता है किसको संबोधित किया जा सकता है जो बोलता है जिसको सुनाई नहीं देता और उसको आप संबोधित करेंगे हे फलाने इधर आ उसको सुनाई देगा नहीं। जिसको नहीं दिखता है दिया उसको तो कम से कम क्या बोलते हैं सुनाई तो देगा मगर उसको पता नहीं होगा कहां जाना है कौन बुला रहा है तो हम उस परमेश्वर को संबोधित करते हैं उस पिता को संबोधित करते हैं जो जिंदा है मतलब हमारा परमेश्वर जीवित है हमारा खुदा जिंदा है और हम उस परमेश्वर में विश्वास करते हैं जो जीवित है हम मृतक परमेश्वर पर नहीं उस मूर्ति पर नहीं मगर हम उस जीवित परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं उस जीवित परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं और आज इस समय हम उस जीवित परमेश्वर के सानिध्य में आए हैं। बाइबल की शिक्षाओं में सबसे पहली शिक्षा यही है कि जिस परमेश्वर में हम विश्वास करते हैं वो परमेश्वर जिंदा है वो जीवित है
उसने मूसा से बात किया, उसने इब्राहिम से बात किया, उसने मूसा को जल की झाड़ी में दर्शन देते हुए कहा, मैं तुम्हारे पिता का ईश्वर हूं, मैं इब्राहिम याकूब का परमेश्वर हूं। उसने बार बार प्रकट किया कि मैं जीवित हूं, मैं देख सकता हूं, मैं सुन सकता हूं, मैं बोल सकता हूं, और वो बोलता है, वो नबियों से बोलता है। हमारा परमेश्वर जीवित है, हमारा परमेश्वर जीवित है। दूसरी बात परमेश्वर की बाइबल में क्या सुनते हैं, वो परमेश्वर जो जिंदा है, वो जीवित है, वो हमारे साथ है, वो हमारे साथ है। जिसने मूसा से कहा मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, मूसा ने उस परमेश्वर से कहा था यदि तू हमारे साथ नहीं चलेगा, हमें आदेश ना दे जाने के लिए, मतलब तू हमारे साथ चल। और परमेश्वर इस्राएली लोगों के साथ चलता था, कैसे? दिन में बादल के खंभे के रूप में और रात को बिजली के खंभे के रूप में उनके साथ चलता था। नबी इसाया के ग्रंथ अध्याय 43 में, इसाया 43 में हम पढ़ेंगे, वचन 1, 2, 3 में लिखा हुआ है, वहां परमेश्वर कहता है यदि तुम समुद्र पार करोगे, यदि तुम समुद्र पार करोगे, वहां का पानी तुमको बहाकर नहीं ले जाएगा, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। यदि तुम आग पार करोगे, ज्वालाएं तुमको भस्म नहीं करेंगी, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। हालेलुया। इसाया 43, मैं उस वचन को पढ़ूंगा ताकि जैसा वचन प्रभु कहता है वैसा ही हम सुन सके। अध्याय 43 वचन 2 में लिखा है, यदि तुम समुद्र पार करोगे तो मैं तुम्हारे साथ होऊंगा, जलधाराएं तुम्हें बहा कर नहीं ले जाएंगी, यदि तुम आग पार करोगे तो तुम नहीं जलोगे, ज्वालाएं तुमको भस्म नहीं करेंगी। जी हां, परमेश्वर का दूसरा गुण है, वो हमारे साथ है, वो हमारे साथ है। तीसरा गुण परमेश्वर का, जो परमेश्वर जीवित है, हमारे साथ है, वो हमसे प्यार करता है। यिर्मयाह के ग्रंथ अध्याय 31 में वचन 3 में वो कहता है, मैं अनंत काल से तुमको प्यार करता आ रहा हूं। जी हां, जिस परमेश्वर में हम विश्वास करते हैं, वो परमेश्वर हमसे प्यार करता है। चौथी बात है उस परमेश्वर के बारे में, चौथी बात, वो परमेश्वर क्षमा करता है, वो परमेश्वर क्षमा करता है। जो जीवित है, जो हमारे साथ है, जो हमसे प्यार करता है, वो परमेश्वर हमें क्षमा करता है। नबी इसाया के ग्रंथ अध्याय 1 वचन 18 में वो कहता है, आओ हम एक साथ विचार करें, तुम्हारे पाप सिंदूर की तरह लाल क्यों ना हो, वे हिम की तरह उज्जवल हो जाएंगे, वे किरमिश की तरह मटमैले क्यों ना हो, वे ऊन की तरह श्वेत हो जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। यिर्मयाह 31 में वचन, अंतिम वचन, वचन 34 में वो प्रभु कहता है, मैं उनके अपराध क्षमा कर दूंगा, मैं उनके पापों को याद नहीं रखूंगा। देखिए प्रभु क्या कहता है, मैं उनके अपराध क्षमा कर दूंगा, मैं उनके पाप याद नहीं रखूंगा। इसलिए दाऊद कहता है स्तोत्र 103 में, 103 वचन 10 में दाऊद लिखता है, पूर्व पश्चिम से जितना दूर है प्रभु हमारे पापों को हमसे उतना ही दूर कर देता है, पूर्व पश्चिम से जितना दूर है वो हमारे पापों को हमसे उतना ही दूर कर देता है। हालेलुया, हालेलुया। राजाओं के दूसरे ग्रंथ अध्याय 20 में हम पढ़ेंगे, उसने राजा हेजेकिया को जो मृत्युशैया पर पड़ा हुआ था, मरने वाला था, उस राजा हेजेकिया को उसने जीवन प्रदान किया, चंगा किया, उसकी उम्र 15 साल बढ़ाई। राजाओं के दूसरे ग्रंथ अध्याय 5 में हम पढ़ेंगे नामान को, जो कोढ़ी था, जो परमेश्वर को जानता भी नहीं था, ऐसे एक कोढ़ी को प्रभु ने स्वास्थ्य लाभ प्रदान किया, जैसे कि उसने यरदन नदी में 7 बार डुबकी लगाई, उसका कोढ़ मिट गया।
और वही प्रभु निर्गमन ग्रंथ अध्याय 15 वचन 26 में कहता है, निर्गमन ग्रंथ अध्याय 26 में वो कहता है, मैं वो प्रभु हूँ जो तुम्हें स्वस्थ करता है, मैं वो प्रभु हूँ जो तुम्हें स्वस्थ करता है। हालेलुया, हालेलुया। हमने कितने गुण देखे परमेश्वर के, 6 गुण देखे। फिर एक बात ध्यान देखिए, ध्यान से सुनिएगा। पहला गुण परमेश्वर का, वो जीवित है, वो जिंदा है, वो जिंदा है। दूसरा गुण, वो हमारे साथ है, वो कहीं ऊपर बैठा नहीं है, वो ऊपर वाला नहीं है, वो नीचे वाला भी है, वो हमारे साथ है, वो हमारे साथ है। तीसरी बात, वो परमेश्वर जो हमारे साथ है वो हमसे बहुत प्यार करता है, वो प्यार करने वाला परमेश्वर है। चौथी बात, वो हमें क्षमा करने वाला परमेश्वर है। पांचवी बात हमने कही, वो हमको चंगा करने वाला परमेश्वर है। और एक बात, छठवीं बात, वो परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, वो परमेश्वर सर्वशक्तिमान है। नबी यजकेल के ग्रंथ में वो पूछता है, क्या मेरे लिए कुछ भी असंभव है? उसने आकाश से अन्न दिया, ध्यान से सुनिए, कान खोलकर, उसने आकाश से अन्न दिया कितने लोगों के लिए, कितने दिन के लिए? 40 साल के लिए, कम से कम 26 लाख लोग थे, 26 लाख लोगों को उसने खिलाया। एक दिन, दो दिन, तीन दिन नहीं, 40 साल तक खिलाया। वही परमेश्वर जिसने लाल सागर को दो भागों में बांट दिया, वो परमेश्वर जो चमत्कार के ऊपर चमत्कार लोगों के ऊपर करता था, लोगों के बीच में करता था, जिसने चमत्कार दिखाते हुए, आश्चर्य के कार्य दिखाते हुए अपनी प्रजा को गुलामी से छुड़ा लाया। अंतिम सातवां परमेश्वर का गुण है, ओ मुक्त करने वाला प्रभु है, वो उद्धार करने वाला प्रभु है, वो उद्धार करने वाला प्रभु है। जी हाँ, वो पापों से उद्धार करता है, वो दुखों से उद्धार करता है। जी हाँ, जब इस्राएल की प्रजा दुख में पड़ी हुई थी, परिस्थिति उनकी बिगड़ चुकी थी, वहां गुलामी में पड़ी हुई थी, उनका उद्धार करता बन जाता है वो परमेश्वर, जो लोगों को उनकी हर परिस्थिति से उनका उद्धार करता है। मेरे प्रियो, हम लोगों को और अन्य लोगों को अलग करने वाली बात यही है, हम लोगों को और अन्य लोगों को अलग करने वाली बात यही है कि हम उस परमेश्वर में विश्वास करते हैं जो परमेश्वर जीवित है, जो परमेश्वर बोलता है, जो परमेश्वर हमारे साथ चलता है, जो हमारा परमेश्वर हमसे प्यार करता है, हमें क्षमा करता है। इतना ही नहीं, वो हमारे बीच में महान महान कार्य करता है, बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार के कार्य करता है, और वो हम सबका उद्धार करता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। जब मनुष्यों ने इन बातों को भुला दिया, इन बातों को महसूस नहीं कर पाए, ध्यान सुनिएगा, अभी भी कई लोग क्या बोलते हैं, चर्च में तो आते हैं, प्रार्थना तो करते हैं, ईसाई तो हैं, मगर इन सात बातों पर क्या बोलते हैं, न चिंतन कर पाते हैं, न इस पर बात, इन बातों पर विश्वास करते हैं। जब लोग इन बातों को भुला दिए, पुराने नियम के इन बातों को भुला दिए, उस सच्चे परमेश्वर को जो जीवित है उसको भुला दिए, उसकी सर्वशक्तिमत्ता को भुला दिए, उसके प्रेम को भुला दिए, उसके उद्धार को उन्होंने अनुभव नहीं किया, ऐसी स्थिति में परमेश्वर फिर स्वयं अपनी ओर से पहल करता है, अपनी ओर से पहल करता है, वो प्रकट करना चाहता है लोगों को कि मैं जीवित परमेश्वर हूं, मैं जिंदा हूं, मैं बोलता हूं, मैं करता हूं तुम्हारे साथ, मैं तुम्हारे साथ हूं। इसलिए इम्मैनुएल बन के आया, ईश्वर मनुष्य बन के आया, वो हमारे बीच में रहने आया, हमारे बीच में चलने आया, हमें सुनने आया, हमें देखने आया। वो सातों गुण हम प्रभु यीशु में पाएंगे, वो सातों गुण हम प्रभु यीशु में देखेंगे। जी हां, जीवित, जिसने कहा देखो मैं मर गया था, मैं अनंत काल तक जीवित,
जीवित रहूंगा। प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 1:17 में वो कहता है, देखो मैं मर गया था, यहाँ क्रूस पर मर गया था ना, देखो मैं मर गया था, देखो मैं अनंत काल तक जीवित रहूंगा। कब तक? अनंत काल तक जीवित रहूंगा। बालक वो जीवित है, उसने कहा याद रखो मैं संसार के अंत तक सदा तुम्हारे साथ हूं। कब तक? संसार के अंत तक। उसने कहा जहां भी दो या तीन मेरे नाम पर एकत्रित हो जाएंगे वहां उनके बीच मैं उपस्थित रहता हूं। कहा? उनके बीच, जहां भी दो या तीन उनके बीच, जहां भी दो या तीन उसके नाम पर एकत्रित हैं तो वो आज हमारे बीच उपस्थित है, वो हमारे बीच है, वो हमारे साथ है, वो हमारे साथ है। और वो परमेश्वर जो हमारे साथ है वो हमसे बहुत प्यार करता है। उसने कहा इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए प्राण अर्पित कर दे, इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं। मत योहन का सुसमाचार अध्याय 15:13 में वो कहता है इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए प्राण अर्पित कर दे। जी हाँ, उसने अपने प्राण को अर्पित कर दिया क्रूस पर। और वो परमेश्वर क्षमा करता है। क्रूस पर मरते समय भी उसने कहा हे पिता इन्हें क्षमा कर क्योंकि नहीं जानते हैं कि क्या कर रहे हैं। वे विचार में पकड़ी गई स्त्री से उसने कहा मैं भी तुम्हें दंड नहीं दूंगा, जाओ फिर पाप ना करना। उन अर्धांगी रोगियों को, कम से कम 2-3 अर्धांगी रोगियों के बारे में बाइबल में लिखा है, चंगा करने के पहले उसने कहा बेटा तुम्हारे पाप क्षमा हो गए हैं। बेतसैदा के कुंड के पास जो अर्धांग रोगी पड़ा हुआ था उसको भी क्षमा किया। दोबारा मुलाकात करने पर उससे कहा देखो तुम चंगे हो गए हो, फिर पाप ना करना। सर्वशक्तिमान जिसने रोटियों को 5 रोटियों को लेकर हजारों को खिला दिया, 5,000 पुरुष थे। अब यहां भी देखिएगा कितने पुरुष हैं कितनी महिलाएं हैं। यदि 5,000 पुरुष थे तो 5,000 पुरुषों के साथ कम से कम तो क्या बोलते हैं 10,000 महिलाएं भी होंगी, और 10,000 महिलाएं थी 15,000 हो गए, और उसके साथ साथ बच्चे कितने थे होंगे कम से कम 4-4। जब मैं छोटा था उस समय हम लोगों के यहां सब क्या बोलते हैं हर घर में एक एक टीम होता था, क्रिकेट का टीम, क्या बोलते हैं वॉलीबॉल का टीम होता था। मगर आजकल के मम्मी पापा लोग एक काफी है, इतने स्वार्थी दुनिया, एक काफी है। प्रभु यीशु सर्वशक्तिमान, वो सर्वशक्तिमान प्रभु वो क्या करता है, हमें बचाने के लिए आया, बचाने के लिए आया। नबी इसाईस के ग्रंथ में अध्याय 35 में हम पढ़ेंगे 4 में लिखा है देखो तुम्हारा प्रभु तुम्हारा परमेश्वर आ रहा है, वो स्वयं तुम्हें बचाने आता है, अपने चमत्कार दिखाने के लिए नहीं, मदारी का काम करने के लिए नहीं। देखो तुम्हारा परमेश्वर आ रहा है, वो स्वयं तुम्हें बचाने आता है, बचाने के लिए आया। और संत पौलुस लिखता है नितांत सुनिश्चित है कि ईसा मसीह हमें बचाने आए, ईसा मसीह हमें बचाने आए, और हमें बचाने के लिए वो हमारा उद्धारकर्ता बन के आया, तो वो अपने आप को क्रूस पर कुर्बान कर देता है हमें बचाने के लिए। हमें बचाने के लिए, ध्यान से सुनिएगा, हमें बचाने के लिए हमारे लिए वो श्रापित हो गया, हमें बचाने के लिए हमारे बदले पापी बन गया, हमारे बदले, हमें बचाने के लिए उसने कोड़े खाए, मारे खाए, अपमानित हुआ, तिरस्कृत हुआ, दरिद्र बन गया, गरीब बन गया, कंगाल बन गया। हालेलुया, 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 हालेलुया। यदि हमारे जीवन में हमारे बीच में प्रभु के कार्य होने हैं जो मैंने आपको अभी याद दिलाई, इन बातों पर विश्वास करना होगा। 8 साल पहले मैं अपने विश्व स्वामी जी से परमिशन लेकर मैं एक ऐसे जगह पर चला गया प्रभु का वचन सुनाने के लिए। जब वहां गया कई पुरोहितों ने कहा ये महा बेवकूफ है, जहां एक भी ईसाई नहीं है वहां जाके क्या कर सकता है ये,
एक बहुत बड़े स्वामी जी ने कहा, अरे विनीत वहां मत जा, जहां ख्रिस्त भक्त हैं वहां चले जाओ, नहीं हो पाएगा। मैं चला गया क्योंकि मुझे पता था कि मुझे प्रभु वहां ले जा रहा है, प्रभु वहां दर्शा रहा है, प्रभु मुझे बुला रहा है। मेरे बिशप अच्छे थे, मेरे गुरुकुल के आचार्य थे, मेरे रेक्टर थे, उन्होंने परमिशन दे दिया, मैं चला गया। मैं घर में बैठकर प्रार्थना करता था, कई पास्टर लोग बोलते थे यह कैसी सेवकाई है, ये कैसी पुरोहिताई है, भाड़े के घर लेकर भाड़े के घर में प्रार्थना करने से सेवकाई होती है क्या, लोग हंसते थे। मैं लोगों को इतना ही कहता था, मेरा प्रभु जीवित है, मेरा प्रभु मेरे साथ है, मेरा प्रभु मुझसे प्यार करता है, मेरा प्रभु मुझे क्षमा करता है, मेरा प्रभु सर्वशक्तिमान है, मेरा प्रभु मेरा उद्धार करता है, वो मेरा उद्धार करता है। यही सात बातों को मैं बार बार बोलता था और बैठ के प्रार्थना करता था, अधिक से अधिक समय कोशिश करता था कि प्रार्थना में लग जाऊं। धीरे धीरे मेरे साथ और लोग आने लगे, एक फादर आए मेरे साथ कुछ दिन रहे, हम लोग प्रार्थना की, एक भाई आया, इस तरह करते हुए समय बीतता गया। कुछ दिनों में हमारे अगल बगल के बनिया हमारे पास आने लगे, क्योंकि बनिया लोगों के बस्ती में मैं रहता था। 3 महीने में मेरे दरवाजे पर हमारे घर के अंदर 60-65 बनिया बैठते थे प्रार्थना करने के लिए, बड़े बड़े चमत्कार वहां होते थे, अंधा देखता था, बंधन टूट जाते थे। हमारे कोढ़ी को लेके आया गया था, कोढ़ से उसका पैर सड़ गया था, पन्नी बांध के बैठ जाता था, मक्खियां जाती थी उसके घर में, कोई नहीं जाता था। 4 दिन लगातार हमारे यहाँ प्रार्थना के लिए आया, 5वें दिन उसका पूरा का पूरा कोढ़ मिट गया। तो लीलावती माताजी जयसवाल ले आई गई थी, वो विकलांग हो गई थी, अपाहिज हो गई थी, क्योंकि उनको पॉलिश मार दिया था, एक आधांग उसका काम नहीं करता था। हमारे यहाँ लेके आए थे प्रार्थना में, वो भी छिंगी हो गई, चलने लगी, जिसको ठेला में उठा के लाए थे वो चली चलने लगी। और वहां के लोग, आसपास के लोगों को पता चला कि ये इंसान जिसकी पूजा करता है वो सर्वशक्तिमान है, लोगों ने कहना शुरू कर दिया। और हमारे यहाँ संख्या बढ़ती गई, विरोध हुआ, जबरदस्त विरोध हुआ, मेरे घर के सामने धरना हुआ, लोग मुझे मारने के लिए आए, ढकेलने के लिए आए, सब बहुत कुछ किए, मुझे ताला लगा के बंद किए। उसके बाद कई बार रास्ते पर मुझे क्या बोलते हैं, मेरे साथ जबरदस्ती भी किए, मेरे साथ तरह तरह के उन्होंने इल्जाम लगाए, तरह तरह की परेशानी मेरे ऊपर डाली, मुझे बहुत अपमानित किया। 2018 में नवंबर 14 तारीख को मेरे ऊपर हमला हुआ और पुलिस मुझे ही लेके गई, 25 घंटा जेल में बंद भी था। मैंने सोचा सब खत्म हो गया, क्योंकि मुझे जेल करने के लिए 2 साल के जेल के लिए लगे हुए थे, बड़ी फाइल तैयार हो चुकी थी, मगर मेरा परमेश्वर जीवित है, मेरा परमेश्वर चमत्कार करने वाला प्रभु है, उसने ऐसी बड़ी महिमा की, मुझे जेल जाने नहीं दिया। जबकि मुझे 1 साल से अधिक दिनों तक बहुत परेशानी उठानी पड़ी, मेरे ही अपने ही बिशप धर्म प्रांत के पुरोहितों ने भी मुझे ठुकरा दिया, तरह तरह के इल्जाम लगाना शुरू कर दिया, मगर प्रभु की महिमा, प्रभु का कार्य रुका नहीं। जो कार्य हमने शुरू किया था वो कार्य को प्रभु ने शुरू किया था, मैंने नहीं शुरू किया था, प्रभु ने उस काम को बंद नहीं किया, कुछ भाइयों को भेजा, भाई लोग रहे, काम चलता गया। और आज पिछले मुड़कर मैं देखता हूं, 1 साल जो बीत गया, इस 1 साल में 1000 से अधिक लोग बढ़ चुके हैं, 3000 से अधिक लोग आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ताली बजाती हूं, प्रभु को धन्यवाद करिए। जी हाँ, एक बात यदि हम प्रभु को मानने वाले हैं, आप यहाँ पर हैं, एक एक व्यक्ति छोटे बच्चों से लेकर बड़े बुजुर्गों तक, ये बात को जानिए, जिस परमेश्वर की हम आराधना करते हैं, जिसकी उपासना करते हैं, वो जीवित है, वो जिंदा है। जिंदा का मतलब, सब लोग जिंदा हैं यहाँ पर जी, पक्का। आइए हम प्रभु को धन्यवाद करेंगे, तालियां बजाते हुए जोर से।
फिर तीसरी बात मैं बोलता हूँ, जिसने जम के ताली बजाए वो जिंदा है। और इसलिए वो जीवित परमेश्वर, वो जिंदा प्रभु जो जीवित है, हमसे प्यार करने वाला, हमें क्षमा करने वाला, हमारा उद्धार करने वाला, हमारे साथ रहने वाला, हमारे बीच में चिन्ह चमत्कार करने वाला, वो कहता है मैं इसलिए आया हूं कि तुम जीवन प्राप्त करो, कि तुम जीवन प्राप्त करो। कितना जीवन? बहुतायत जीवन। प्रोटेस्टेंट बाइबल में लिखा बहुतायत जीवन, परिपूर्ण जीवन। परिपूर्ण का मतलब चकाचक भरा हुआ, चकाचक भरा हुआ बोलते, चकाचक भरा हुआ। आधा जीवन नहीं आता, मुस्कुराना मुश्किल। ताली बजती है, हाथ वहां पैर पर लगा हुआ है, ताली नहीं बजती, हाथ उड़ता है, कोई इशारा है ना, वो भी सीधा नहीं हो पाता है। हमको आशा है यहाँ जितने भी हैं सब ट्राइबल्स हैं, आदिवासी हैं, है ना सब लोग। जी हाँ, आदिवासियों का एक गुण जान पता है, मैं आपको याद दिला रहा हूँ, मुझे नहीं पता मगर मैं आपको याद दिला रहा हूँ, उनके अंदर बहुत जान है। जी हाँ, मांदल बजता है ना, तुरंत क्या करने लगते हैं, झूमने लगते हैं, बोलना नहीं पड़ता है, थोड़ा झूमो। जी हाँ, तुरंत ताली बजने लगती है, मगर बोलना पड़ता है, आजकल बोलना पड़ता है, क्योंकि हम मर चुके हैं, हम मर चुके हैं। तो प्रभु यीशु हमारे जीवन में आया है, प्रभु यीशु हमारे बीच में आया है। यदि वो मिशनरी लोग यहां पर आए प्रभु का प्रचार करने के लिए, प्रभु के बारे में बताने के लिए, क्या के लिए आए? यह हमें परिपूर्ण जीवन देने आए। प्रभु यीशु ने जो परिपूर्ण जीवन लाया, बहुतायत जीवन लाया, उसे देने आए। कैसे पाएंगे? कैसे पाएंगे? हमको यह विश्वास करना होगा, जिस प्रभु में हम विश्वास करते हैं, जिस प्रभु में हम विश्वास करते हैं, जिस प्रभु की हम आराधना करते हैं, जिस प्रभु की हम उपासना करते हैं, जिस प्रभु के पास हम आते हैं, वो प्रभु जीवित है, ओ प्रभु हमारे साथ है, ओ प्रभु हमसे प्यार करता है, ओ प्रभु हमें क्षमा करता है, ओ प्रभु हमारा उद्धार करता है, ओ प्रभु हमें चंगा करता है, और वो प्रभु सर्वशक्तिमान है, उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। हालेलुया, 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 हालेलुया। दाहिना हाथ उठाएंगे, हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे। सब लोग अपने मुंह खोल के प्रभु से बातें करिए, जो आपसे बात करता है उससे बातें करिए, प्रार्थना में लग जाइए, हाथ उठाए रखिए। जब एक हाथ थक जाता है, दूसरा हाथ उठाइए, उस प्रभु से बातें करिए, मुंह खोल के बात करिए, वो सुनने वाला प्रभु है, उससे कहिए, प्रभु जी मैं तेरी आराधना करता हूँ, मैं तेरे सानिधि में आया हूँ, तू जीवित है, प्रभु जी मैं विश्वास करता हूँ कि तू जिंदा है, मैं विश्वास करता हूँ कि तू मेरे साथ है, मैं विश्वास करता हूँ कि तू मुझसे प्यार करता है, मैं विश्वास करता हूं कि तू मुझे क्षमा करता है, मैं विश्वास करता हूं कि तू असंभव को संभव बनाने वाला परमेश्वर है, मैं विश्वास करता हूं कि तू ही खुदा है, मैं विश्वास करता हूं तू ही सृष्टि करता है, मैं विश्वास करता हूं कि तू आज मेरे बीच में, मेरे जीवन में, मेरे घर में, हमारे बीच में बड़े बड़े कार्य करेगा, चमत्कार करेगा। हे मुक्तिदाता, हे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु, आज हम अपने जीवन को तुझे सौंप देते हैं, अपने परिवार को सौंपते हैं, अपने दुखों को सौंपते हैं, अपने कष्टों को सौंपते हैं, अपनी एक एक चिंता, एक एक समस्या, एक एक परेशानी तेरे अधिकार में देते हैं, और आज हम तेरी अधीनता को स्वीकार करते हैं, हम तेरी अधीनता को स्वीकार करते हैं। प्रभु की अधीनता स्वीकार कीजिए, प्रभु की अधीनता स्वीकार कीजिए पूरी तरह। चार लोगों को कमर के दर्द से छुटकारा मिल रहा है, एक व्यक्ति 18 साल से कमर के दर्द में परेशान है, उस व्यक्ति को प्रभु ने छुटकारा दिया। स्वीकार करिए इस चंगाई को समर्पण के साथ। धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। एक व्यक्ति के लीवर में सूजन है, उसका सूजन यीशु मसीह के नाम से मिट गया, सूजन खत्म हो गया, लीवर में सूजन था, पेट भी फुला फुला था। आइए दोनों हाथ उठाते हुए स्तुति करेंगे, महिमा करेंगे। हालेलुया, 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 मुंह खोलिए, हालेलुया, 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 स्तुति, 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 महिमा परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया,
हालेलुया हालेलुया जय हो तेरी जय हो तेरी जय हो तेरी परमेश्वर ओ रबशलारी हरे शमतारी शला हालेलुया 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 हारी हालेलुया 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 हालेलुया।